आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आ गई है एक ऐसी ऐप जिसके थ्रू आप अपनी बिजनेस की ग्राहकी बढ़ा सकते हैं। अगर आप कोई सामान बेचना चाहते हैं, पहले से ही कोई काम भी कर रहे हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तब भी आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसकी आप सेल की ग्रोथ कर सकते हैं, पैसे और ज़्यादा कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे बिना एक भी रुपया खर्च करें। आ गई है ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐप। ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस, MyBigBliss। आपको इस ऐप का फायदा उठाने के लिए सिर्फ करना इतना है कि अपना फोन उठाना है, प्ले स्टोर पर जाना है और माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने फोन में आपको ऐप के थ्रू एक स्टोर बनाना है। जो भी सामान आप बेचना चाह रहे हैं उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं और जो सामान है उनको आप प्रोडक्ट्स में लिस्टेड कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के बाद आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे और आपकी जो स्टोर का जो प्रमोशन है वो भी माई बिग ब्लिस ही करेगा। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा तो आपकी ये ऐप के थ्रू पैसे बंद हो जाएंगे। इस ऐप के थ्रू आप चाहे लॉकडाउन लगे या ना लगे तब भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप गृहिणी है तो घर में रहकर आप एक और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के कम्युनिटी अपडेट की। कम्युनिटी अपडेट में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो आज देख रहे हैं कि गोल्ड $1784 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर $22 पर कारोबार करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि सोना और चांदी आज भी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भी अपने वही लेवल्स पर स्टेडीनेस के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में। सोने और चांदी में देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में जो लेवल्स रोज़ाना देखने को मिलते हैं, फ्लैट प्राइसेस कह सकते हैं इनको, कि एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है, वैसे ही कारोबार आज हफ्ते के चौथे कारोबार दिन भी देखने को मिला है। बात करें यहाँ से अगर क्रूड ऑयल की, WTI $72 पर है, $73 पर जाने वाला है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 पर। दोनों में ही देख रहे हैं 0.25% की तेजी है। कच्चे तेल में देख रहे हैं कि हम लगातार तेजी बनती नज़र आ रही है, जबकि जो ओमिक्रॉन है वो विदेशों में भी और भारत के साथ साथ विदेशों में भी दस्तक दे चुका है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो भी थोड़ी डिसरप्ट होती नज़र आ रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, ऐसे कुछ रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। अभी जो विशेषज्ञ हैं वो भी अभी इसका एनालिसिस करने में पूरा लगे हुए हैं। तो आज सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स का बाजार कैसा देखने को मिल सकता है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस तो लगभग फ्लैट ही होते नजर आ रहे हैं, एक फ्लैटनेस देखने को मिल रही है। जो स्तर रोज देखने को मिलते हैं उसी स्तर पर खुलता है और उसी स्तर पर क्लोज भी होता है। आपको क्या लगता है सोने चांदी में अगर अच्छी तेजी देखने को मिलेगी तो कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, सोना और चांदी ओवरऑल देखिए ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट आ नहीं रही है मार्केट के अंदर और अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से सोना और चांदी अभी रुका हुआ है। और लगातार हम देख रहे हैं कि $1780 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और चांदी भी 61,000 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड कर रही है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, छुटमुट गिरावट बनी रह सकती है, लेकिन हर निचले स्तर पर आगे चल के बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। सोने की बात करें तो नीचे में अगर 47,500 से 600 की रेंज मिलती है तो वहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, जबकि अभी सोना 48,000 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इन लेवल्स पर भी बाइंग किया जा सकता है थोड़ा स्लिप आने पर। लेकिन अभी देखिए मूवमेंट जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम है, लगातार हम देख रहे हैं 100 से 150 पॉइंट के बीच में कारोबार करता हुआ सोना दिखाई दे रहा है, तो अभी फिलहाल वही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, नीचे में
48,800 तो ऊपर में 48,200, तो इस रेंज में फरवरी वायदा जो है वो कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि सोने में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ही रखनी चाहिए। सेम एज इट इज चांदी में भी काफी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, इन लेवल्स पर भी बाय किया जा सकता है और थोड़ा डिप मिले तो वहां पर भी वेट कर सकते हैं और उस डिप पर खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सोना और चांदी आगे चलकर एक तेजी की तरफ बढ़ सकते हैं और इसमें एक नए लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जी ये सर ऊपर जी बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज और अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक ठाक लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और हरे निशान पर कारोबार करता नजर आ रहा है। WTI $73 के आसपास है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 पर। आपको क्या लगता है कच्चे तेल में जो तेजी बनती नजर आ रही है फंडामेंटल के विपरीत, तो ये तेजी कब तक जारी रह सकती है? देखिए तेजी जो बन रही है वो एक्चुअली में जो ओमिक्रॉन का इंपैक्ट है उसको देखते हुए ही फिलहाल बाजार जो है वो बाइंग में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उधर से ओपेक देशों ने भी अभी फिलहाल सप्लाई बढ़ाने पर कोई भी अपना डिसीजन जो है वो नहीं दिया है, उस पर अभी रोक लगा दी कि जैसे चल रहा था वैसे ही अभी चलेगा। तो अभी डिमांड जो है उस हिसाब से जो है अभी लग रहा है कि आगे चलकर और बढ़ सकती है, तो इस वजह से एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है कि सप्लाई नहीं बढ़ रही है तो इसलिए अभी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन का इंपैक्ट बढ़ता है तो फिर क्रूड जो है वो नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर अगर लॉकडाउन की स्थितियां होंगी तो फिर डिमांड कंसर्न होगा, डिमांड कम होगी और डिमांड कम होगी तो फिर प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा जो है स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दी है, एक बार फिर से थोड़ा सा रुक सा गया है मार्केट, तो इसीलिए कच्चे तेल में एक बार फिर से बाइंग आ रही है और अभी $73 से $75 की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि $75 तक ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी कितनी होगी अभी ये कहना काफी मुश्किल है। इंट्राडे में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में बाइंग में जाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अभी वेट करना चाहिए, काफी उठापटक देखने को मिल सकती है और अभी मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में 5600 के स्तर एक बार इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी ये सर रूपा जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आप हमेशा तेजी में ही रही है और आज भी देख रहे हैं कि बेस मेटल्स के जो लेवल्स हैं वो भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है आज इंट्राडे में बेस मेटल्स में कैसे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए बेस मेटल्स के अंदर अभी जो है थोड़ा सा पॉजिटिव ही है रुझान, लेकिन अभी चाइना में कुछ डेटा निकल कर आया था जिसकी वजह से हल्का सा करेक्शन देखने को मिला है और अभी चाइना में इन्फ्लेशन जो है इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी इस बेस मेटल्स में भी पॉजिटिव है। आप कॉपर को देखिए 738-740 के बीच में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, यही लेवल्स हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि नीचे से ये लेवल्स बने रह सकते हैं 720-740 और इंफैक्ट ऊपर गया तो 707 तक मैक्सिमम तेजी पकड़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे सकता है। सेम एज इट इज निकल के अंदर भी 1570 तक हमने इसको जाते हुए देख लिया है और 1580 तक की तेजी फिलहाल इसमें भी बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स के लिए इनमें बाइंग में बने रहा जा सकता है और अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी तो यानी कि बेस मेटल्स में खरीदारी में करके चला जा सकता है अगर कुछ निचले स्तर देखने को मिलते हैं, तो बेस मेटल्स में आगे तेजी का ही रुझान है जिस हिसाब से रूपा जी ने बताया। और वैसे भी हमने बजट में देख लिया है कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी जो कंजप्शन है वो ज़्यादा बढ़ती नज़र आएगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और अब जैसे कि लॉकडाउन पहले हट गया था और अभी भी लगा नहीं है, पहले तो हट गया था तब उसके बाद से जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो एकदम से खुली थी, बेस मेटल्स की खपत बढ़ी थी और अब भी लॉकडाउन नहीं लगा है तो अभी भी जो रियल एस्टेट बिजनेस है उनमें बेस मेटल्स की खपत और इसके साथ साथ जो मेटल इंडस्ट्री है उसमें भी खपत जारी रहेगी। रूपा जी आपसे आज के टॉपिक्स जानना चाहेंगे कि आज नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या रहेंगे, आपकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में ही बाइंग की रणनीति रखें और वहीं कच्चा तेल आज थोड़ा पॉजिटिव जा सकता है, 5560 से 5580 के स्तर के लिए कच्चे तेल में भी बाइंग की जा सकती है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।